नमस्कार, शुभ समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बातचीत का मुद्दा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने जो विजयादशमी के अवसर पर अपना जो वक्तव्य दिया है उस पर केंद्रित हमारी बातचीत होगी। आज की हमारे स्टूडियो में हैं शुभ समाचार नेटवर्क के प्रधान संपादक कुमार दिनेश जी, और इस अवसर पर इस मुद्दे पर खास तौर से बातचीत करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 94 साल का संगठन हो गया है। विजयादशमी के अवसर पर इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। स्थापना के बाद यह संगठन लगातार बढ़ता चला गया एक वटवृक्ष की तरह, और यह एक विचार परिवार के तौर पर आया है। स्थापना दिवस के अवसर पर सरसंघ चालक जो होते हैं वह स्वयंसेवकों को और देश के समक्ष अपना मंतव्य रखते हैं। इस वर्ष भी उन्होंने मंतव्य रखा और देश की सारी समस्याओं पर ध्यान रखते हुए उनकी चर्चा करते हुए अपनी ओर से अपना विचार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने जो देश को की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसकी भी बात की। हम बात करते हैं यहाँ, इस अभी जो बात करेंगे उसमें मॉब लिंचिंग की चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जो हिंदी पट्टी का जो क्षेत्र है, मॉब लिंचिंग के का ज्यादा यहाँ पर असर दिखाई पड़ता रहा है। मॉब लिंचिंग पर आइए सुनते हैं पहले मोहन भागवत जी क्या कहते हैं। हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है तो ऐसे भी समाचार आए हैं कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को इक्का दुक्का पकड़कर पीटा, मार डाला, कुछ किया, हमला किया, समाचार तो चलते। यह भी ध्यान में आता है कि किसी एक का ही समुदाय की ओर से दूसरे समुदाय पर होता है, ऐसा नहीं है, उल्टा भी हुआ है। यह भी ध्यान में आता है कि कुछ हुआ नहीं तब बनाया गया है, उकसाकर घटनाएं कराई गई है और नहीं हुई है, दूसरा कुछ हुआ है उसको इस रंग में रंगाया गया है। लेकिन 100 घटनाओं के अगर रिपोर्ट छपे होंगे तो 2-4 में तो यह बात ऐसी ही हुई होगी। अब यह होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी जो स्वार्थी शक्ति आए वो इसको बड़ा उजागर करती है और दूसरे ढंग से उजागर करती है। समाज के और किसी एक समुदाय ने यानी पूरे समुदाय ने नहीं, कहीं कोने में रहने वाले 10-5 व्यक्तियों में और ये हिंसा की प्रवृत्ति भड़क गई, कानून वगैरह की परवाह न करते हुए उन्होंने कुछ किया, उसको उस पूरे समुदाय पर थोप देंगे दोनों तरफ से, क्योंकि ये किसी के पक्षधर नहीं है। समाज के दो समुदायों में आपस में झगड़ा हो यही उनका हेतु है। समाज की एकता के पक्षधर लोग हैं उनको उसमें घसीटेंगे, संघ का नाम लेंगे। भाई कि ऐसी घटनाओं में और कहीं पर कोई संघ का कुछ संबंध है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन उसका नाम लेंगे। संघ का कोई स्वयंसेवक ऐसे झंझटों में जाता नहीं, करता नहीं, पड़ता नहीं, होने वाली हो तो रोकने का प्रयास करता है। गलती से कोई उसमें फंस गया तो संघ उसको बचाने का प्रयास नहीं करता, संघ को कहता है कि तुम कानून की प्रक्रिया से अपने आप को सिद्ध करो निर्दोष। लेकिन ऐसे नाम लेकर वो जो बात है वो शमित हो, दुर्भावना समाप्त हो, कटुभावना जाकर सद्भावना उत्पन्न हो, ऐसा करने के बजाय उस पर और बार बार जोर देके उसको तरह तरह से पेश करके उससे झगड़ा बनाने का, और ये काम ये भी चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है, यह सबने समझना चाहिए। संघ का नाम लेते होंगे, हिंदुओं का नाम लेते होंगे, केवल नाम नहीं लेते, जो हमारे देश में कभी रहा नहीं, आज भी नहीं है, आज भी हमारे संविधान में भी कुछ ऐसा नहीं है। उदारता की हमारी परंपरा है, सबके स्वीकार की हमारी परंपरा है, यहां ऐसी बातें कभी हुई नहीं। जिन देशों में हुई वहां उनके लिए शब्द है, जैसे एक शब्द चला पिछले साल लिंचिंग,
ये क्या हमारे यहां होता था कभी? हुआ है? ये शब्द कहां कहां से आए हैं? इसके संबंधित पुरानी कहानी तो एक बाहर जो धर्म ग्रंथ तैयार हुआ उससे मिलती है, उस धर्म से उसके कोई संबंध नहीं। लेकिन घटना कि एक महिला को ऐसे ही पत्थरों से मारने के लिए जुट गए एक गांव के लोग, तो वहां ईसा मसीह पहुंचे और उन्होंने कहा कि इसको पापी है इसलिए आप पत्थर मार रहे हैं, तो ठीक है मारो, लेकिन जो जिसने पाप न किया हो वो पहला पत्थर उठाए। तो सब लोगों को ध्यान में अपनी गलती आई। तो ये घटनाएं कहां की है? जहां की है वहां उसके लिए शब्द है। दिनेश जी, मॉब लिंचिंग एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष जो है इसको बिल्कुल उसकी प्रतिक्रिया बहुत कटु होती है, और इस मुद्दे को लेकर के एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विचित्र तरह का एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आपने सुना मोहन भागवत जी ने मॉब लिंचिंग पर क्या कहा, इसको आप किस रूप में देखते हैं पत्रकार के तौर पर? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माननीय मोहन भागवत जी ने जो विचार व्यक्त किए विजयदशमी उद्बोधन में, वही विचार वास्तव में संघ परिवार और उससे जुड़े संगठनों का आधिकारिक मंतव्य है। किंतु दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि जो शक्तियां भारत के विरुद्ध काम करती हैं या भारत में जो निर्वाचित सरकार है उसकी छवि खराब करने का प्रयास करती हैं, तो वो या जो भी विरोधी शक्ति हैं वो उसको किसी भी बात का सही अर्थ न लेकर के उसको दूसरे पक्ष में प्रचारित करती हैं। दूसरे पक्ष में जी। मोहन भागवत जी ने इस पूरे विमर्श का जो क्षितिज जो है इसको बहुत विस्तृत आयाम दिया है। बिल्कुल, इसके सभी पक्षों को उन्होंने उठाया है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि उन्होंने वो एक वर्ष की समस्त घटनाओं को अपनी दृष्टि से प्रस्तुत किया। जैसे भारत में इस वर्ष चुनाव हुए 2019 के चुनाव, कश्मीर में धारा 370 निष्क्रिय की गई, और इस तरह के जो भी कार्यक्रम जो सरकार की ओर से हुए या इस वर्ष देश में जो प्रमुख घटनाएं हैं उन सब का उन्होंने उल्लेख किया और अपना मंतव्य रखा, और उसी सिलसिले मंदी का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से मंदी जितनी है नहीं उसका ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है। और इन सारी बातों में ये है कि चाहे वो मंदी की बात हो, चाहे उन्होंने जो मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा इसका उल्लेख किया, तो बहुत शास्त्रीय ढंग से उन्होंने कहा कि भीड़ की हिंसा या मॉब लिंचिंग शब्द जो बहुत दुष्प्रचारित है वह शब्द भी आयातित है और वो विचार व कृत्य भी आयातित है। इसका मतलब आयातित है। आयातित का मतलब वो यह न तो यह कृत्य भारतीय परंपरा का हिस्सा है और न यह शब्द यहाँ का है। जैसे जो विचार और व्यवहार या जो आचरण जिस समाज का नहीं होता है वो शब्द भी वहाँ का नहीं होता, शब्द भी वहाँ का नहीं होता। जैसे अगर हम एक बार ध्यान देने लायक है कि वो मॉब लिंचिंग जो बात है, लिंचिंग शब्द का जो प्रयोग करते हुए मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा कि भारत की छवि विदेश में विश्व में खराब करने का एक षड्यंत्र है। बिल्कुल, वो उनका आकलन ये सही है, क्योंकि देखिए मुख्य रूप से भीड़ के द्वारा किसी को पकड़ करके मार डालना या गोरक्षक के नाम पर या किसी भी, तो ऐसी एक घटनाएं कहीं कहीं हुई होंगी और कहीं कहीं नहीं भी हुई है, उसको प्रचारित किया गया। फिर भीड़ का भी जो हम दुष्प्रचार करने वाली शक्तियां हैं वो भीड़ का मजहब ही निर्धारित कर देती हैं और ये नहीं देखती है कि भीड़ एक ही मजहब की नहीं है, दूसरे मजहब की भी है, दूसरे मजहब के लोग भी जब किसी एक धर्म के लोगों को घेरते हैं तो भीड़, लेकिन भीड़ की हिंसा को जिस रूप में प्रचारित किया गया है उससे एक ही अर्थ है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज में ही इस तरह का आक्रामक व्यवहार आया है, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं कहीं जो दूसरे समाज के लोग हैं, चोरी का मामला, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो भी जहाँ पे कभी ऐसा करते हैं, तो ये कोई ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। वो जहाँ भी भीड़ का तो कोई विवेक नहीं होता, ये विवेक संबंध में बात नहीं है, उसका भीड़ का कोई विवेक नहीं होता है। जैसे इस देश के विपक्ष ने आतंकवाद का धर्म अभी तक नहीं पता लगाया, उसी लेकिन वो भीड़ की हिंसा का धर्म तुरंत पता लगा लेते हैं, तो यह भी एक दुर्भावनापूर्ण आचरण है।
मतलब आतंकियों के धर्म का पता नहीं लगा पाए लेकिन भीड़ के हिंसा का धर्म का पता लगा लेते हैं। तो यह इस तरह का जो दुराग्रह मन में है उसकी वजह से इस तरह की घटनाओं को अतिरंजित करना, छोटी घटना को बड़े रूप में प्रचारित करना, घटना हुई नहीं उसको भी घटना के रूप में प्रस्तुत करना। घटना मान लीजिए कि कहीं छपरा का ही मामला ले, छपरा का ही मामला हो या एक ट्रेन में अगर दो लोग किसी सीट के लिए झगड़ रहे हैं और उसमें एक व्यक्ति और दोनों के संप्रदाय और धर्म अलग अलग हैं और उनके बीच झगड़े होते हैं और उनमें से एक व्यक्ति मारा जाता है या उसके साथ उसको जख्मी किया जाता है तो उसको भी वो मॉब लिंचिंग का रूप दे देना। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि भारत के छवि ही ऐसे जैसे ये ऐसा देश है कि जिसमें फीड तंत्र काम कर रहा है। तो ये देश में दरअसल अपराध की है। लिंचिंग सब तो सर ये यूरोप का है कि एक समूह विशेष दूसरे समूह विशेष पर अटैक करता है, आक्रमण करता है। लेकिन उसको आयातित, इसीलिए मैंने कहा कि शब्द आयातित तभी होता है, आयातित शब्द जो है भारत के समाज पर थोपा गया है। तो इसके इसका भी निराकरण माननीय मोहन भागवत जी ने किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने इसके निराकरण की बात भी कही, उन्होंने ये कहा कि समाज जो है वो समाज भीड़, भीड़ कहाँ से आती है, समाज से आती है। तो अगर समाज का कुछ हिस्सा भीड़ बन करके एक अराजक आचरण कर रहा है, अविवेकपूर्ण आचरण कर रहा है, किसी को टारगेट कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो उसको प्रतिकार करने की शक्ति भी समाज से आनी चाहिए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि शासन को कठोर तो होना ही चाहिए इस पर और साथ साथ समाज को भी, समाज की एकात्मता को उन्होंने बताया कि ये इसकी प्रतिकार की शक्ति है। यानी अगर समाज चाह ले कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो तो वो घटनाएं नहीं, एकात्मता एक समाज अगर जुड़ा हुआ हो, समाज अगर, और आप ऐसी घटनाएं हुई भी हैं कि जिस जो कल को अखबारों में ये खबर भीड़ की हिंसा के रूप में छपने वाली होती लेकिन कुछ प्रबुद्ध लोगों ने वहां पर हस्तक्षेप करके उस घटना को टाल दिया, तो समाज की शक्ति विकसित करने पर संघ का जोर है। और अगर समाज इन चीजों की प्रवृत्तियों के विरुद्ध खड़ा होगा तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और न किसी को दुष्प्रचार करने का अवसर मिलेगा। तो यानी दोनों की जिम्मेदारी उन्होंने बताई कि समाज की भी जिम्मेवारी है और शासन की भी जिम्मेवारी है कि वो ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए कठोर कानून जो है उनका परिपालन करे। इसे एक शब्द, एक मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि मॉब लिंचिंग जो शब्द है इसको एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इसका उपयोग किया जाता रहा, तो अब क्या लगता है कि जो संघ विचार परिवार है इस मॉब लिंचिंग शब्द को लेकर के इसके प्रयोग से जो वातावरण बनाया गया उसके निराकरण के लिए क्या कर सकता है, क्या करेगा, क्या मोहन भागवत जी के इस जो मार्गदर्शन है जिसको लोग कहते हैं संघ परिवार के मार्गदर्शन से के बाद किस प्रकार का परिवर्तन आएगा भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में या उसके और जो अनुसामिक संगठन है उनके व्यवहार में? जब ये विचार संघ के शीर्ष मुख से प्रकट हुआ है तो निश्चित रूप से इसका असर ग्राउंड टू, मतलब जिसको कहिए कि ग्रास रूट लेवल तक, उस विचार का असर होगा। और मुझे लगता है कि जो लोग भी संघ विचार परिवार से जुड़े हैं वो ये चिंता करेंगे कि ऐसी घटनाएं न हो और जहां भी जैसे संघ सांप्रदायिक हिंसा के दौर में खड़ा होता है, अपनी भूमिका निभाता है शांति के लिए, सुलह के लिए, सुरक्षा के लिए, तो उस तरह से इस तरह की घटनाओं को जितना अतिरंजित किया गया है तो उसको उसके निराकरण के लिए या उसको न होने देने के लिए समाज की प्रतिरोध क्षमता भी उस हद तक उतना पावरफुल एंटीबायोटिक भी समाज को विकसित करना होगा, ऐसा संघ प्रमुख की अपेक्षा लगती है। और मुझे लगता है कि स्वयंसेवक इसके अनुसार आचरण भी करेंगे। ये बहुत बड़ा कठिन काम है, ये कठिन काम है लेकिन लेकिन एक एक बात और, इसी जब मॉब लिंचिंग की चर्चा करते हैं तो उन्होंने इशारे में कहा कि इस प्रकार की घटनाएं कराई जाती रही है खड़यंत्र, तो ये जो खड़यंत्र करने वाली जो बात है तो हो सकते हैं, तो उसका समाधान कैसे ढूंढेगा सर जो करने वाले हैं? तीनों बातें कही कि कभी कभी घटनाएं छोटी होती हैं उनको बड़ा किया जाता है, नहीं होती हैं उसको उस रूप में प्रचारित किया जाता है, और अगर घटनाएं नहीं होती हैं तो उसको कराने का भी षड्यंत्र होता है। किसी कराने का षड्यंत्र इसको कैसे, इससे कैसे निकलेंगे? इसके लिए तो उन्होंने समाज से ही आह्वान किया है कि वो इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए स्वयंसेवक जागृत रहे या वो संगठन जो है जो ग्रास रूट तक इतना पुराना 94 वर्ष का संगठन है तो वो जागृत रहे कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हर जगह जब आपका नेटवर्क है तो उसको रोकने का। संघ पर एक आरोप लगता रहा है कि संघ संविधान को नहीं मानता है,
लेकिन इसमें क्या लगता है? आरोप लगा, जैसे मौनवी माँ भागवत जी ने कहा कि देखिए आरोप लगाने वाले तो कह देते हैं कि वो जो सुनी सुनाई बातें हैं कि ये हिटलर के आपको आदर्श मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कह देते हैं गुरुजी ने स्थापना की, ऐसा तथ्य नहीं है। तो कई बार जो आपका आपके दुष्प्रचार करने वाले हैं उनका उद्देश्य दुष्प्रचार करना है, आपकी कमीज को मैली दिखाना है, अपनी प्रामाणिकता वो सिद्ध नहीं करते। तो अगर वो बिना प्रमाण के कोई बात कह रहे हैं और इस वो एक तरह का उनका एरोगेंस भी है, उनके उनका हट भी है कि हम जो कह रहे हैं वो बस आप मान लीजिए। जो लोग दूसरे से लोकतांत्रिक व्यवहार की उम्मीद करते हैं वो उनका खुद का यह अलोकतांत्रिक व्यवहार है कि वो बिना पुष्ट प्रमाण के, बिना ऐतिहासिक और किसी तरह के प्रमाण के वो आरोप लगाएंगे और कहेंगे बस आप मान लीजिए। तो इस तरह की दुर्भावना का तो कोई उपचार इसमें इसी संदर्भ में उन्होंने इनका अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया है और कहा डॉक्टर अंबेडकर का, एनी बेसेंट का, इन दोनों का नाम लिया और भगिनी निवेदिता का ऐसा नाम लेने के लेकर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जिस देश का कानून है नहीं मानता है तो वो व्यक्ति सही नहीं है, इस प्रकार की कुछ बातें उन्होंने कही अपने ये। ठीक है, कि अब देखिए इस देश में जो लोग नक्सल मूवमेंट चला रहे हैं वो इस देश की चुनी हुई सरकार को बंदूक के बल पर सत्ता पलटना उसके समर्थक इस देश में। अच्छा। जो लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए सक्रिय है, वो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए सक्रिय लोग एक ऐसी व्यवस्था लाने के लिए संकल्पित हैं, कम्युनिस्ट शासन लाना चाहते हैं जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई विकल्प ही नहीं। अच्छा। यानी एक ऐसी ताकत देश में सक्रिय है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, उदार व्यवस्था, सहिष्णु समाज के सारे सद्गुणों का उपयोग करके उस व्यवस्था को हटा देना चाहते हैं। ये मोटे तौर पर ऐसे ही कि जैसे हम किसी चीज को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और जब हम छत पर चले जाएं तो उस सीढ़ी को लात मार कर फेंक दें। अच्छा। यानी हम अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग अपने लिए करें लेकिन जब हम वहां सत्ता में पहुंच जाएं तो दूसरों को ये सुविधा न दें। मोहन भागवत जी का मतलब बिना नाम लिए उस ओर इशारा भी था, कि इस तरह की शक्तियां जो हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती हैं कि भाई आजादी चाहिए, लेकिन जिन देशों को उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था का आदर्श एक रूप में माना है कम्युनिस्ट शासन, तो उस देश में अभिव्यक्ति की कितनी आजादी, चीन में अभिव्यक्ति की कितनी आजादी, चीन ने अपने देश के नोबेल पुरस्कार विजेता को भी बंदी बना लिए, वहाँ अभिव्यक्ति की कहाँ आजादी। लेकिन जब भारत में है तो आपको अभिव्यक्ति की ही नहीं भारत के विरुद्ध किसी भी हद तक जाकर टुकड़े टुकड़े करने की कामना करने तक अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, बिना दायित्व की आजादी चाहिए। तो इस तरह की जो अराजकता है तो उसके खिलाफ तो उसके विरुद्ध शासन अपने ढंग से काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात माननीय मोहन भागवत जी ने कही कि समाज की एकात्मता में इन सब चीजों के प्रतिकार की शक्ति, यदि समाज इनसे सहमत नहीं होगा तो चल रह जाएगा। जैसे आपने देखा समाज आज पिछले 50 वर्ष पहले जो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की जो स्थिति थी, कम्युनिस्ट पार्टियों का जो वर्चस्व था, स्वयं बंगाल में देख लीजिए कि सब कम्युनिस्ट पार्टियों का जो वर्चस्व था वहां के समाज ने अब उसका प्रतिकार कर दिया, तो उसकी ये राजनीतिक अभिव्यक्ति ये हुई कि वो संसद से शून्य हो गए। तो जिस विचारधारा और जिस आचरण को समाज स्वीकार नहीं करेगा, प्रतिकार करेगा, तो उसके भाषण देने से, उनकी रैली करने से उसका कोई असर नहीं होगा। इसका दूसरा रूप भी देखिए कि जिस कानून को समाज स्वीकार नहीं करता है, जैसे दहेज प्रथा का कानून तो बहुत सख्त है लेकिन समाज में वो प्रचलन है। इसका मतलब यह है कि दहेज जैसी कुरीति का प्रतिकार करने की स्थिति नहीं है, मनस्थिति और शक्ति समाज अपने भीतर से विकसित नहीं कर पाया, यानी इनबिल्ट वो शक्ति नहीं है। हर के भीतर एक लोभ की कामना है कि दहेज भागवत जी उस शक्ति को विकसित करने की शक्ति को विकसित करने की बात कर रहे हैं कि जो शासन और सरकार के बनाए कानून से ही नहीं समाज और शक्ति विकसित करें, कि जो एक मॉब लिंचिंग को भी चाहे मॉब लिंचिंग की कानून स्वतः सुरक्षित हो, कानून स्वतः और किसी भी अपने शास्त्रों का भी है कि ऐसी व्यवस्था और
कि मैं राजा और दंड देने वाला हूँ। इस तरह का श्लोक है और मार्क्स भी करना स्टेटलेस सोसाइटी। तो सोसाइटी तो जब स्टेट रहे ही नहीं तो वो आदर्श स्थिति कब होगी? जब समाज की प्रतिकार शक्ति विकसित हो जाएगी। जैसे शरीर निरोग कब आदर्श प्रतिकार शक्ति, मैंने जो जैसे एनार्की नहीं, एनार्की नहीं, मैंने प्रतिकार शक्ति का मतलब ये हुआ कि जब जैसे आप शरीर को कहते हैं कि भाई तभी निरोग रहेगा जब आपकी आंतरिक प्रतिरोध, शरीर का उन्होंने उदाहरण दिया है शरीर से तो प्रतिरोधक क्षमता। तो दरअसल मोहन भागवत जी सरकार के आने जाने की बात से ज्यादा वो तो एक घटना है, आज इनकी सरकार है कल उनकी सरकार रहेगी, लेकिन उन्होंने समाज की प्रतिरोधक क्षमता प्रतिकार क्षमता जिसको जो शब्द बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, तो उसको विकसित करने की वो बात कर रहे हैं। ये एक मुझे अच्छी बात लगी और इसी के जरिए वो बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो बाल विवाह की बात हो, चाहे वो या तलाक का कानून भारत सरकार ने बनाया, लेकिन तलाक को, तीन तलाक को लेकर के वो मुस्लिम समाज में प्रतिकार का साहस नहीं है, इसलिए कानून का विकल्प लेना पड़ा। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि केवल एक मॉब लिंचिंग की बात ही नहीं है, अगर पूरा समाज खड़ा हो जाएगा तो कौन किसी की भीड़ में हत्या कर सकेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये मोहन भागवत जी का जो दशहरा के अवसर पर जो उनका वक्तव्य था उस पर केंद्रित हमारा यह विमर्श कार्यक्रम रहा। आगे भी शुभ समाचार देखते रहिए इस प्रकार के विमर्श के लिए। नमस्कार।